जी आप पहलू खा का माना जाता है उसको। चले आप अपनी बात करें, सवाल मैं ब्रिगेडियर अमजद से लूंगी। हमारे दो एक मिनट दो साधु मारे गए जो हिंदू थे वो आप जिक्र नहीं करेंगे क्योंकि वो मुस्लिम नहीं है। मैं आपको बता दूं भारत। जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं सुपर पावर इंडिया। दोस्तों आज पूर्व भारतीय जनरल ने पाक मीडिया में जाकर फिजा खान की मुसलमानों के सवाल पर बोलती बंद कर दी है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं पाकिस्तान मीडिया का रिएक्शन। जानसिस्ट हैं आप, इनको स्क्रीन पर देख रही हैं और इनका लिखा हुआ पढ़ते भी हैं। पाकिस्तान से मेरे साथ मौजूद हैं औरिया मकबूल साहब, आपका बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने का। आप मेरे साथ मौजूद हैं, ये भी किसी तारुफ के मोहताज नहीं। बिगड़ साहब आपका भी बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। भारत से हमें ज्वाइन किया है जनरल रिटायर्ड राज कादियान साहब ने, फॉर्मर डेप्यूटी चीफ ऑफ आर्मी इंडिया हैं। जनरल साहब, जनरल साहब आपका भी बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। और नामवर सहाफी हैं भारत के रोहित शर्मा, उन्होंने भी आगाज में रोहित शर्मा साहब आपसे आज भी आप मेरा इंट्रो बड़े गौर से सुन रहे होंगे, आप जवाब देने से पहले हमेशा इंट्रो पे कोई ना कोई कमेंट करते हैं। मोदी के दामाद से शरारत है जो इंडिया के ज्यादातर लोग चाहते हैं। आपने बोला पहले के आर्टिकल्स भी देखने चाहिए हुआ है इंडिया में। सेकेंडली कोविड की तो ब्लेम पाकिस्तान की तरफ से भी आया ना कि जमात ने फैलाया है, आपके यहाँ के लोग भी बोल रहे हैं। और जमात के लोगों को पता था कि कोविड है, कोरोना की सिचुएशन खराब है, उसके बाद भी जमात के लोगों की टेस्टिंग नहीं करवा, जमात के चीफ हैं वो, उन्होंने टेस्टिंग नहीं करवाई, उन्होंने लोगों को जाने नहीं दिया, जबकि सेक्शन 144 लग चुके, 5 आदमी से ज्यादा एक जगह नहीं हो सकते, उसके बाद भी उन्होंने मरकज में उन्हें रखा और वहां से लोग निकले तो इंडिया हमारे पास। लेकिन मैं एक महीने पहले की फिगर बताऊं तो 30% से रिलेटेड थे। तो ऐसा अगर आपको लग रहा है कि इंडिया जबरदस्ती ब्लेम कर रहा है तो इन फिगर्स को तो कुछ नहीं किया। जहां पे जमात के लोग गए, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र हॉटस्पॉट बन गया, 1/3 केसेस महाराष्ट्र से, तमिलनाडु, दिल्ली, दिल्ली में 10,000 क्रॉस कर गए। ये सिचुएशन जहां जहां जमात के लोग गए वहां जमात के लोग गए, यहाँ पे वहां पे जमात के एक आदमी की डेथ भी हो गई। और ये पता कैसे लगा कि ये जमात निकले थे, तब मरकज बिल्डिंग पर रेड डाली गई, तब ये सारे। अच्छा रोहित, लेकिन किसी भी बीमारी को, किसी भी वबा को, किसी एक दीन के साथ, रिलीजन के साथ, जो आपके हमारे इसमें लेकिन बड़ी तादाद में वो माइनॉरिटी मुसलमान वहां पे मौजूद है, उनके साथ मंसूब कर देने ज्यादा नहीं है, जहालत नहीं है, बल्कि इसका जवाब औरिया मकबूल साहब आपसे लेती हूँ। रोहित, मैं आपके तरफ दोबारा आती हूँ। जी औरिया साहब, आपने रोहित की गुफ्तगू भी सुनी, रोहित का जवाब दिया गया कि नहीं जहालत नहीं, आप कैसे देखते हैं इस पूरी सिचुएशन? देखें, एक तो रोहित साहब का बयान है और उसके साथ तबलीगी जमात की सूरत हाल है, उसके ऊपर पूरी दुनिया का प्रेस है। उस दुनिया के प्रेस के अंदर और जो इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर, बल्कि वो आम इवन नॉर्मल मीडिया के अंदर जो फुटेजेस चल रही हैं, और जिस तरह पूरी इंडिया के अंदर उस पूरे के पारे एक एक मुसलमान के चेहरे को देख के पूरा बस्ती जो है वो खड़ी हो जाती है कि कोरोना आ गया है, उनसे सब्जी लेने से उनसे बायकॉट किया जाता है, उनके साथ कारोबार से बायकॉट किया जाता है, उनको बकायदा मिलाए। और वो अक्सरियत जो आरएसएस की सोच
को ही रिप्रेजेंट कर रही है, प्रैक्टिकली नजर आ रहा है। जो ना राज कादियान साहब, आपके तरफ आना चाहूंगी, और या मकबूल जान साहब की भी गुफ्त, और आपके जो हम वतन रोहित शर्मा सीनियर सहाफी हैं वहाँ पे, आपने उनकी गुफ्तगु भी सुनी। अब मुझे बता दीजिए कि आप अक्सर मेरे प्रोग्राम में आते हैं और बड़ी अच्छी बात करते हैं, आप बैलेंस्ड बात करते हैं, लेकिन जहां बात होती मोदी की पॉलिसीज की, माइनॉरिटीज को दबाने की, उन पर जुल्म करने की, तो वहां पे आपका एक जवाब होता है कि बड़ा देश है फिजा, यहाँ पे ऐसा चलता रहता है। अब भी आप ये कहेंगे कि बड़ा देश है तो वहां पे, चूंकि वो बड़ा देश है तो बड़े देश में ऐसी छोटी छोटी हरकतें होती रहेंगी जिनको आम अल्फाज में मैं तो अनएथिकल ही कहूंगी। डॉक्टर फिजा, आपने हकीकत की बात, मैं ब्रिगेडियर अमजद की तरफ आती हूँ। बदकिस्मती है कि आप हर हकीकत को मदर की नजर से देखते हो। अगर एक 12 साल का लड़का कश्मीर में मर जाता है, कोई भी मौत होती है, अफसोस की बात है, बच्चा मरता है और भी, आप जैना साहब, लेकिन बच्चे हमारे बाकी भी मुल्क में मरते हैं। आपको पहले हमारे यहाँ मेजोरिटी मुसलमानों की है, लेकिन आप कभी नहीं सुनेंगे कि यहाँ पे हिंदू है वो परेशान है, या यहाँ पे कोई अगर क्रिश्चियन है वो परेशान है, कोई माइनॉरिटी में वो परेशान है। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपके यहाँ वीडियोस भी बन रही है, सोशल मीडिया का दौर है तो कुछ छुप भी नहीं सकता। आपका टीवी चैनल कंट्रोल किया जाता है रॉ की जानिब से, आपके टीवी चैनल को बीजेपी गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, नरेंद्र मोदी से डिक्टेशन ली जाती है। अर्णब गोस्वामी क्या करते हैं वहां पे बैठ के, उसका भी आगे जाकर जिक्र करूंगी आपके यहाँ। लेकिन सोशल मीडिया तो आजाद है, आपका सोशल मीडिया पे क्लिप्स आ जाते हैं, वायरल हो जाते हैं, हमें पता चल जाता है कि वहां पे क्या चल रहा है। भला सोशल मीडिया का, आप कैसे कह सकते हैं कि मजहब की बात हम लोग करते हैं, मजहब की बात को बुनियाद बना के इंडिया में जो कुछ हो रहा है वो सबके सामने, उसको भी आप डिनाई कर सकते हैं जनरल साहब, कितने के वीडियोस भी गलत हैं। आपका ये ख्याल कि भारत का मीडिया बीजेपी के कंट्रोल में, ये गलत है। जो इमेज हमारे मीडिया वाले दिखा रहे हैं वो इंडिपेंडेंट मीडिया ही दिखा सकता है। मैं कहने वाला ये था कि आप जो भारत में होता है हर वाक्या को मजहब की नजर से देखते हो, मौत हमेशा अफसोस होता है, हम उसको मजहब की नजर से नहीं देखते। आप जब एक की बातें आप करते हैं तो मजहब के नाम से हम देखते हैं, समझ नहीं आ रही आपकी बात की। डॉक्टर फिजा, मौका दे मुझे जी। जी, आप पहलू खां को मारा जाता है, चलिए आप अपनी बात कंप्लीट ब्रिगेडियर अमजद से लूंगी। हमारे दो, एक मिनट, दो साधु मारे गए जो हिंदू थे वो आप जिक्र नहीं करेंगे क्योंकि वो मुस्लिम नहीं है। मैं आपको बता दूं, भारत में मुस्लिम क्रिश्चियन सिख बड़े खुश हैं। एक आपको वाक्य मैं बता देता हूं, हमारे जो सबसे बड़े क्रिटिक हैं, जो सरकार के क्रिटिक हैं, वो है ओबेसी, जो पॉलिटिशियन भी है। एक बार एक प्रोग्राम में पाकिस्तानी ने सवाल पूछा था, उन्होंने कहा कि भारत के मुस्लिम खुश नहीं, उन्होंने उसको चुप कराया कि हमने अपना फैसला 1947 में लिया था, हम बड़े खुश हैं। आप अपने मुस्लिम की बात कीजिए, आपने अपने आप को पूरे मुस्लिम समाज का एक नुमाइंदा बना रखा है, और तो कोई नहीं मानता, लेकिन पाकिस्तान के हम करके वहां कहते हैं कि हमें मुस्लिम वर्ल्ड के लीडर हैं। आपने तो मलेशिया में भी OIC के बदले में एक नई ऑर्गेनाइजेशन टर्की मलेशिया से मिलकर खड़ी की थी, जब आपको डांट पड़ी सऊदी अरेबिया वगैरह से तो आप चुप हुए थे। तो आप ये नुमाइंदगी रहने, तो आपके मुल्क में क्या मसले हैं।